जांजगीर चांपा जिले में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इस दौरान जिले के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत शिवरी नारायण में ट्रैक्टर मालिक और चालकों ने बताया कि उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही लोगों को भी बताया जा रहा है कि किस तरह से यातायात नियमों का पालन करें। जांजगीर चांपा जिले के SDOP यदुमणि सिदार ने बताया कि शिवरी नारायण क्षेत्र के 200 ट्रैक्टर चालकों को सड़क दुर्घटना के कारण और उसकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत में आज शिवरी नारायण मेला मैदान में इलाके के करीब 200 ट्रैक्टर चालक और मालिकों को तलब करके यहाँ चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से सड़क दुर्घटना के कारण और इनके होने वाले प्रभाव और रोकथाम के उपाय के संबंध में यहाँ चर्चा की गई। मुख्य रूप से जो ट्रैक्टर चालक हैं उनके ट्रैक्टरों में नंबर नहीं रहते, वाहन चालक के पास में लाइसेंस नहीं रहते, बीमा नहीं रहते, इसके संबंध में इनको आगाह किया गया और इसके नहीं होने से इनके नुकसान के संबंध में अवगत कराया गया। इसके अलावा जो ट्रैक्टरों में होने वाली जो सड़क दुर्घटना है, ओवर स्पीडिंग है, शराब पी के वाहन चलाना है और बिना इंडिकेटर देते हुए लेफ्ट या राइट मोड़ते समय जो सावधानियां रखनी है उसके संबंध में और यातायात नियमों के कई पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा की गई है। वहीं सक्ती जिले में यूनिसेफ और यातायात पुलिस के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें स्काउट गाइड्स के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया, साथ ही रैली निकालकर लोगों को हेलमेट पहनने को कहा। गौरतलब है कि प्रदेश में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न स्थानों में यातायात पुलिस और समाज सेवी संगठन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।